तुम पर ट्रस्ट करने के अलावा हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है तुमसे, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि आइंदा जिंदगी में कभी भी ये नहीं दोहराओगे जो तुमने किया है, क्योंकि अगर ये किया तुमने तो हम दोनों में सकत नहीं है बर्दाश्त करने की बेटे। कमरे की हर चीज बिल्कुल वैसे ही रखी है ना जैसे जैसे तुम छोड़ गई थी। मैं रोज आके यहां सफाई करती थी और दरवाजा बंद कर देती थी। कभी कभी लगता था जैसे तुम अचानक आकर मुझे कहोगी अम्मी मेरी चीजों को किसने हाथ लगाया है, आप मेरी चीजें वहां क्यों नहीं रखती है जहां पर मैं छोड़ कर गई थी। मैं इस बात की पाबंदी नहीं कर पाई। अगर सच कह रही हूं, तुम्हारे जाने के बाद मैंने कभी कोताही नहीं की। कल दुबई जा रहा हूं।
अम्मी ने बताया होगा तुम्हें, अच्छी जॉब है। तरक्की के चांसेस भी हैं, सैलरी भी अच्छी है। इतनी अच्छी है कि मैं अपनी बीवी की हर ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। आयमा, मकान मैंने तुम्हारे नाम कर दिया, ये इसके डॉक्यूमेंट्स हैं। जानता हूँ वो तुम्हारे किसी काम का नहीं है, लेकिन अगर ये रख लोगी तो अरे पछतावों में से एक पछतावा तो कम होगा। जितनी ज्यादतियां मैंने तुम्हारे साथ की हैं, उनका मुदावा जिंदगी में तो मुमकिन नहीं है, इसीलिए तुम्हारी आंखों से दूर जा रहा हूं ताकि बेखौफ होकर अपने मकसद को हासिल करो। मामू ने डाइवोर्स पेपर बनवा लिए, जाने से पहले मैं उनपे साइन करके जाऊंगा ताकि तुम जब चाहे इस बेनाम ताल्लुक को खत्म कर दो। अगर ऐसा नहीं करोगी तो अच्छा होगा। तुमने मेरा सिर्फ पूरा रूप देखा है ना, अब मैं अच्छा बनने की कोशिश कर रहा हूं, और इस अच्छा बनने के सफर में अगर तुम्हें हासिल करने की जुस्तजू होगी तो आसानी होगी। वरना मैं भटक जाऊंगा। मेरा साथ दोगी? मान तो तुम्हारा क्या हुआ हर वो जुल्म याद है मुझे, भूली नहीं। कितनी रातें गिनवाऊं बताओ, कितनी बातें गिनवाऊं। मेरी जिंदगी का वो एक एक लम्हा, एक एक दिन, एक एक मिनट, एक एक सेकंड, हाँ छोड़ो ये सब बातें,
पुरानी बातें भूलने की कोशिश करूंगी। लेकिन अगर ना भुला सकी मुझसे शिकायत मत करना। क्योंकि मुझ पर से सारे हक अब तुम खो चुके हो। मेरे लिए इतना ही काफी। अरे लो, ये तो यहीं खड़ी है। ये देखो मेरा बच्चा, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की चीजें लेकर आया। क्या लाए अबू? अभी दिखा। ये देखो भैया, क्या है भला? तुम्हारी पसंद के पकौड़े। थैंक यू। और इसमें क्या होगा? ये देख, समोसे। और ये मेरी बिटिया के पसंदीदा समोसे। लो। दिल से माफ नहीं किया है ना? वो आप ऐसा क्यों सोचते हैं?
इतना अजनबी रवैया, ऐसे जैसे तुम यहां होके भी यहां नहीं। जो कुछ हुआ वो एक गलत फहमी की बुनियाद पर हुआ और बुरा हुआ, लेकिन बेटा इस तरह हम पुरानी बातों को सीने से लगा कर रखेंगे कैसे जिएंगे बेटा? तुम भी भूल जाओ जो कुछ हुआ, माजी है बेटा। गलतियां तो वालदैन से भी हो जाती है। आपसे कोई गिला नहीं, अब मैं तो आपसे नजर भी नहीं मिला पाती। नजरें उठा के बात करो बेटा, इधर देखो मित्र। तो तुम्हारी बेगुनाही साबित हो चुकी है मेरे बच्चे। तुम अपने बाप के घर में महफूस। ये कोशिश होगी अबू, आइंदा आपको शिकायत का मौका ना दूं। बेटा मैं भी अपनी कोताहियों का अजाला करना चाहता हूँ और अपनी दोनों बेटियों को बहुत खुश देखना चाहता हूँ। बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा। उम्मीद है मेरा बच्चा तुम आइंदा भी ऐसे खुश दिखाई दोगी। मैं देखो तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए क्या बनाया, तो पहले की कोई तैयारी कर रही थी। और अगर मैं ये कहूं कि मैं डिवोर्स नहीं चाहती फिर? ये कोई खेल है ना? कोई खेल है क्या कि आज खेलना और कल नहीं खेलना? क्या हो रहा है ये सब मेरी जिंदगी में? तुम्हें क्या लगता है मजाक है? सुबह तुम्हारा सवाल कुछ और होता है, रात में कुछ और। अब फैसला हो चुका है, वंस एंड फॉर ऑल मैं चाहता हूं कि मेरी जिंदगी में भी सुकून हो। तना मुझे छोड़ देंगे तो मैं कहां जाऊंगी? तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे ठिकाने का बंदोबस्त कर दूंगा। तुम्हें बेयारों मददगार नहीं छोड़ूंगा मैं। तुम्हारे जो जो दरवाजे बंद है उनको खोलने की जिम्मेदारी मेरी है। थोड़ा सा तो यकीन कर लो मुझ पर। रजा ने भेजी? क्यों? तुम तो हमदान भाई के निकाह में हो, क्या चल रहा है ये सब कुछ बताओगी? बताने को कुछ है नहीं, मैं बस अपने हालात और किस्मत के चक्कर काट रही हूँ। अब तो अपनी बदनसीबी पर मुझे ना रोना आता ना दिल दुखता मेरा। तुम्हें कुछ अंदाजा भी है रजा तुम कह क्या रहे हो? मैंने बहुत सोच समझ के फैसला किया हमदान। क्या फैसला? कैसा फैसला? और तुम्हें क्या लगता है ये दुनिया तुम्हारे फैसलों के मुताबिक चलती है क्या? दुनिया का पता नहीं, लेकिन तुम हमेशा मेरा साथ देते हो, हर मौके पर, हर जगह। आखिरी बार दे दो। हमेशा दिया लेकिन अब नहीं दूंगा। आई कांट हेल्प यू एनी मोर रजा, प्लीज। अगर तुम ऐना को डिवोर्स दे दोगे तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। सो उसके पास कोई चारा नहीं बचेगा। मैं मोहब्बत करता हूं उससे यार, और वो भी मुझसे मोहब्बत करती है।
दरमियान में जो कुछ हुआ अगर उसको थोड़ी देर के लिए भुला दिया जाए तो सब कुछ ठीक हो सकता है हमदान। रजा तुम्हें क्यों लगता है कि जो तुम चाहोगे जब चाहोगे वैसा ही हो जाएगा? क्योंकि ऐसा करने से सब कुछ ठीक हो सकता है। हैना को मेरा साथ मिल जाएगा, मेरी मोहब्बत मिल जाएगी और बुढ़िया को तुम्हारी। सब वैसे ही हो जाएगा जैसे पहले था। तुम एक बार ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनो हमदान। अगर तुम ये कर लोगे तो सारे मसले हल हो जाएंगे। ये आखिरी बार हमदान, तुम प्लीज मेरा इस चीज में साथ दो। इसके बाद दोबारा मैं कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा। मैं दोबारा कभी तुम्हारी मदद करूंगा भी नहीं, और इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता। जैसा ऐना चाहेगी वैसा ही होगा, और मैं ऐना का फैसला मानने पर मजबूर हूं। और अगर ऐना खुद तुमसे डिवोर्स मांगे तो? कहा ना, ऐना का फैसला सर आंखों पर। तो ठीक है, ऐना खुद तुमसे बात करेगी, क्योंकि मैं जानता हूं वो मुझसे अभी भी मोहब्बत करती है, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मुझे माफ ना करे। इट्स डन। तुम्हारी मोहब्बत तब कहां थी रजा, जब ऐना सब कुछ छोड़ छाड़ के, अपना घर बार सब कुछ छोड़ के तुम्हारी खातिर यहां आई थी? तब कहां थी मोहब्बत तुम्हारी? उसी गलती की कड़ी सजा भुगत रहा हूं मैं, और ऐना को हासिल करने से मुझे अब कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं। अस्सलामुअलैकुम। ये आपका पार्सल आया है एना महमूद के नाम से। सिग्नेचर करते हैं इस पे। थैंक यू सो मच। Thank you.
ना, इतने प्यारे फूलों की ऐसी नाकदरी, बहुत बुरी बात है। इतनी संगल तो तुम कभी नहीं थी। प्लीज ले जाओ इन्हें यहाँ से, मैं नहीं देखना चाहती ये फूल। क्यों? इतने प्यारे फूल हैं, तुम्हें भेजने वाले पर गुस्सा है या खुद पर गुस्सा है? और ये क्या? तो दिलावर भाई की शादी की पिक्चर्स हैं, ये तुम्हें किसने भेजी? रजा ने। रजा ने भेजी? क्यों? तुम तो हमदान भाई के निकाह में हो, क्या चल रहा है ये सब कुछ बताओगी? बताने को कुछ है नहीं, मैं बस अपने हालात और किस्मत के चक्कर काट रही हूँ। अब तो अपनी बदनसीबी पर मुझे ना रोना आता ना दिल दुखता मेरा। तुम्हारा हमदान भाई से कोई राबता हुआ है? क्या कहूं मैं उनसे? आने से पहले उनसे जो ताल्लुक था वो खत्म हो चुका है, जिसकी वजह से हम साथ थे। क्या कह रही हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है ना? मुझसे शादी से पहले हमदान रजा की बहन में इंटरेस्टेड थे, दोनों की मंगनी हो चुकी और अब बहुत जल्द उनकी शादी भी हो जाएगी। और तुमने इतनी आसानी से अपनी जगह छोड़ दी? जबरदस्ती शामिल होने वालों के लिए जिंदगी में तो जगह बन जाती है अम्मा, दिलों में कभी नहीं बनती। और अगर मैं इतनी खुश नसीब होती तो रजा की बातों में आकर घर से कदम उठाकर मैं इतनी रुस्वा नहीं होती। ना मेरी जान, तुम इन सब बातों को बुरा ख्वाब समझकर भूल जाओ। अल्लाह पे भरोसा रखो, अल्लाह सब ठीक कर दे। सच कह रहे हो रजा? दान ऐना को छोड़ रहे हैं? हाँ, और वो दोबारा उसकी जिंदगी में कभी लौट कर वापस नहीं आएगी। तुम चाहो तो ये मौका अवेल कर सकती हो। मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो हमदान से नाराज हूँ। उन्होंने जो कुछ भी मेरे साथ किया था वो गलत था। ये वक्त सही गलत का नहीं है, इन बातों में उलझकर तुम अपने ही नुकसान करोगी। पता नहीं तुम कह तो रहे हो पर ये कैसे मुमकिन होगा? मोहब्बत पर जितना भी बुरा वक्त आ जाए, बदगुमानी के बादल छटते ही वो दोबारा से तरोताजा हो जाती है। अब तुम पर डिपेंड करता है तुम इस मोहब्बत को कैसे जिंदा करती हो। ठीक है रजा, अगर तुम कह रहे हो तो मैं कोशिश करके देखूंगी। और मैं भी पूरी कोशिश करूंगा, तुम बस हिम्मत कायम रखो। ठीक है, थैंक यू सो मच। Thank you.
हेलो। अच्छा जनाब, होल्ड कीजिए। ऐना, ऐना बेटा, आपका फोन। जी अबू, आ रही हूं। अरे यहाँ अखबार रखा था मैंने, कहीं अखबार रखा। चलो तुम फोन। हेलो, कैसी हो ऐना? कौन? अभी इतना वक्त भी नहीं गुजरा कि तुम मेरी आवाज ना पहचान सको। एक वक्त था जब तुम मेरी आवाज को अपनी जिंदगी कहा करती थी। क्यों फोन किया मुझे? मैं सब ठीक करना चाहता हूँ ऐना, तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, सब पहले की तरह हो जाए। क्या बकवास है ये, होश में तो हो? होश में तो अब आया हूँ ऐना, और पूरे होशो हवास में तुम्हारा साथ मांग रहा हूँ। मुझे तुम्हारे साथ रहना है, प्लीज सब पहले जैसा कर दो ऐना, एक मौका दो, प्लीज जस्ट गिव मी अ चांस। आइंदा मुझे फोन मत करना रजा। ऐना प्लीज फोन उठाओ ना, प्लीज फोन उठाओ ना। मैं सब ठीक करना चाहता हूँ ऐना, तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। होश में तो अब आया हूँ ऐना, और पूरे होशो हवास में तुम्हारा साथ मांग रहा हूँ। मुझे तुम्हारे साथ रहना है, प्लीज सब पहले जैसा कर दो ऐना, एक मौका दो, प्लीज जस्ट गिव मी अ चांस। तुम्हारी मोहब्बत तब कहां थी रजा, जब ऐना सब कुछ छोड़ छाड़ के, अपना घर बार सब कुछ छोड़ के तुम्हारी खातिर यहां आई थी? तब कहां थी मोहब्बत तुम्हारी? मैं दोबारा कभी तुम्हारी मदद करूंगा भी नहीं, और इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता। जैसा ऐना चाहेगी वैसा ही होगा, और मैं ऐना का फैसला मानने पर मजबूर हूं। और अगर ऐना खुद तुमसे डिवोर्स मांगे तो? कहा ना, ऐना का फैसला सर आंखों पर। इसी याददाश्त हो गई है, रख के भूल गया मैं कहीं। किसका फोन था बेटा? रॉन्ग नंबर था अबू। अबू मैं अभी आती हूँ। जी बेटा। हाँ उस्मान। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। क्या हाल है मेरा बच्चा, दिल लग गया तेरा? खाना तो ठीक से खाता है ना? जी अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बस अपना ख्याल रखा करें, मेरी फिक्र करना छोड़ दें। अरे कैसे फिक्र करना छोड़ दूँ, माँ हूँ तेरी। और ये जो तेरा वीरान लहजा है ना, ये मेरा दिल चीर देता है। मैं इसी काबिल हूँ अम्मी। खैर
छोड़े आप ये बताए मामू कैसे हैं? हाँ ठीक है मामू, वो कल आयमा के एडमिशन की खुशी में उन्होंने दावत रखी है। मुझे भी फोन आया था, बुला रहे थे, तो कल जाऊंगी मैं जरूर। आयमा कैसी है, वो खुश तो है ना? वो हाँ बहुत खुश है, उसका ख्वाब पूरा हो गया ना, मेरा बहुत ख्याल रखती है। दिन में दो दो बार फोन करती है और ताकीद करती है कि अपनी सेहत का ख्याल रखे। सब कुछ ठीक है बेटा, लेकिन बस तेरी कमी है। मैं आ जाऊंगा, मैं आ जाऊंगा, लेकिन तब तक नहीं आऊंगा जब तक आयमा मुझे खुद नहीं बुलाती। लेकिन क्यों? क्योंकि यही मेरी सजा है अम्मी, ये तन्हाई, ये अजनबीयत, सख्त मौसम, जब तक वक्त पूरा नहीं होता मुझे ये सजा काटनी है अम्मी। ये सब मैं अपने लिए नहीं कर रहा, ये मैं आयमा के लिए कर रहा हूँ। और अगर वो फिर भी ना लौटी तो भी कोई गिला नहीं, जितना बुरा मैंने उसके साथ किया है उसका अजाला करने के लिए ये उम्र नाकाफी है। हेलो उस्मान, हेलो Thank you.